हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टॉप कल्चर फैक्ट्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम सभी को पता है कि आजकल हमें कुछ भी जानना हो या हमें कुछ भी ढूंढना हो तो गूगल हमारे पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। उसी तरह हमें किसी भी जगह या किसी भी स्थान के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो या वहाँ जाना हो तो गूगल अर्थ से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल अर्थ भी ऐसी बहुत सी जगह है जो हमसे छुपाता है? अगर आप गूगल पर पूरी तरह भरोसा कर बैठे हैं तो शायद यही वक्त है जानने का कि क्या आप जानते हैं कि गूगल अर्थ आपसे क्या छिपा रहा है, वो कौन सी जगह हैं जिन्हें गूगल देखने से मना करता है। दोस्तों, अगर आप गूगल अर्थ का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि गूगल अर्थ पर कुछ खास पॉइंट्स या डॉट बना होता है। ये डॉट बताया जाता है कि उन जगहों को छिपाने के लिए है। क्या आप जानना चाहते हैं ये वह कौन सी जगह हैं जिन्हें गूगल अर्थ भी हमसे छुपाना चाहता है? तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कि गूगल अर्थ वह कौन सी जगह है जो हमसे छुपा रहा है, वह क्यों छुपा रहा है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है किवोई डैम, साउथ कैरोलिना। गूगल अर्थ ने इस डैम को ब्लर क्यों किया है इसका कारण तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम आपको इतना बता सकते हैं कि यह डैम लोकल लोगों का लाइफ सेवर माना जाता है। इस डैम के पानी से 1.9 मिलियन लोगों को फीड किया जाता है। लेकिन यह डैम जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है। अगर यह डैम फेल होता है तो इस डैम से कई लोगों और कई गांवों एक साथ उजड़ जाएंगे। इसे छुपाने का शायद यही कारण होगा। अब असल कारण क्या है यह तो गूगल ही बता सकता है। 9वें नंबर पर आता है वोलकल एयरबेस द नीदरलैंड। नीदरलैंड के इस एयरबेस को गूगल ने ब्लर कर दिया है। इसकी वजह पूछने पर गूगल ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पूर्व डच प्रधानमंत्री ने इसके बारे में सबको पूरी तरह बता दिया है। दोस्तों, इस एयरबेस में न्यूक्लियर से जुड़े वेपन रखे गए हैं। यह वेपन अमेरिका के हैं। डच पीएम के अनुसार इन सारे वेपन्स की ताकत हिरोशिमा और नागासाकी पर अप्लाई किए गए वेपन से कहीं ज़्यादा गुना है। इनकी क्वांटिटी 22 बताई गई है। नंबर 8 पर आता है बेकर लेक, कनाडा। कनाडा में एक छोटा सा गांव है बेकर लेक। गूगल ने अपने मैप्स पर इसे ब्लैकआउट कर रखा है। मुख्य तौर पर इसकी बाउंड्री को ब्लैकआउट किया गया है। इसके पीछे क्या कारण है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बहुत ज़्यादा फैलने वाली बात यह है कि यह जगह पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सेंटर है। यह झूठ या सच हो सकता है, लेकिन इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है और आज तक गूगल ने भी इसके बारे में कोई सफाई नहीं दी है। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, USA। वॉशिंगटन और ओरेगन की बॉर्डर के पास मौजूद इस जगह के बारे में कई सारे रूमर्स हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर किसी तरह का बंकर बनाया जा रहा है जिसमें अमेरिकी लोगों को रखा जाएगा अगर किसी कंडीशन में अमेरिका दुनिया को ख़त्म करने के लिए कोई स्टेप उठाता है। हालांकि यह रूमर पूरी तरह से झूठ लगता है, लेकिन इसे फैलाने वाले इसे पूरी तरह सच बताते हैं। इस साइट को लेकर न्यूक्लियर और खजाने की भी बात की जाती है। हालांकि सच क्या है सिर्फ गूगल और अमेरिका को ही पता है। नंबर 6 पर आता है ऑयल रिफाइनरी, हंगरी। हंगरी में मौजूद एक ऑयल रिफाइनरी ने गूगल को अपने लोकेशन दिखाने से मना किया है। इसके पीछे रिफाइनरी ने सिक्योरिटी का हवाला दिया था और कहा था कि अगर आप उनका कॉम्प्लेक्स दिखाएंगे तो उनके प्रोडक्शन पर इफेक्ट होगा। हालांकि गूगल ने कंपनी के इस स्टेटमेंट के बाद उनके पूरे कॉम्प्लेक्स को ग्रीन कर दिया है। आप जब भी गूगल अर्थ पर इस रिफाइनरी को ढूंढेंगे तो आपको यह पूरी हरी नज़र आएगी। लेकिन दोस्तों, किसी और साइट और मैप पर ढूंढने पर आपको यहाँ पाइपलाइन और बाकी कॉम्प्लेक्स दिखाई देंगे। नंबर 5 पर है हुइस्टेनबॉश, नीदरलैंड। नीदरलैंड का हुइस्टेनबॉश पैलेस दुनिया के उन चुनिंदा पैलेस में से है जिसे आप गूगल अर्थ पर नहीं देख सकेंगे। कारण साफ है, प्राइवेसी। दोस्तों, ये पैलेस डच रॉयल फैमिली के पैलेस में से एक है। लेकिन यह सवाल हमेशा से उठता आया है कि गूगल किसी भी रॉयल फैमिली को इस तरह की सिक्योरिटी क्यों देगा? आप इस पैलेस को किसी भी एंगल से देखना चाहें यह हर तरफ से ब्लर नज़र आएगा। इसके पीछे क्या कारण है यह आज तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह माना जाता है कि रॉयल फैमिली केमिकल हथियार बनाने में लोगों की मदद कर रही है। शायद इसीलिए, हालांकि यह एक अफवाह है या सच है कहना मुश्किल है। नंबर 4 पर आती है अननोन एरिया, रशिया। अब तक की इस लिस्ट में आपने जितनी भी जगह देखी थी वह सारी जगह या तो बहुत खास थी या तो इल्लीगल एक्टिविटी वाली थी। लेकिन क्या गूगल किसी जगह को बिना किसी वजह के ब्लर कर सकता है? हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अननोन जगह की जो कि रशिया में है, जिसे गूगल अर्थ ने हाइड कर दिया है। इस जगह को पूरी तरह से ब्लर कर दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण है कोई नहीं जानता। कुछ लोगों को लगता है यह जगह न्यूक्लियर एक्टिविटी से जुड़ी है, कुछ लोग इसे सीक्रेट मिशन से जोड़ते हैं और कुछ कहते हैं कि यहाँ एलियंस रहते हैं। हालांकि यह सब अफवाह लगती है या फिर यह सच है अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक कारण टेक्निकल मिस्टेक भी हो सकता है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है बेबीलोन, इराक। कभी दुनिया के 7 अजूबों का हिस्सा रहने वाला बेबीलोन, बाइबल का एक बहुत बड़ा पार्ट, गूगल पर क्यों छुपाया जा रहा है यह सोचने लायक बात है। लेकिन आप जब भी बेबीलोन को देखेंगे आपको यह ब्लर और अनक्लियर नजर आएगा। इसके पीछे क्या कारण है यह तो गूगल ही जाने।
दोस्तों बेबीलोन के बारे में आपको एक बात और बताता चलूं कि बेबीलोन एक समय दुनिया का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। इस लिस्ट में नंबर दो पर कोई जगह नहीं बल्कि एक इंसान है जो कि है KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर। अगर आपने कभी गूगल के स्ट्रीट व्यू वाले फीचर से KFC को देखा होगा तब आपने पाया होगा कि कर्नल सैंडर को हाइड कर दिया गया है। कर्नल सैंडर को हाइड करने का कारण यह है कि वो एक ह्यूमन है और गूगल मैप का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट किसी भी ह्यूमन को फीचर नहीं करता। यही कारण है कि कर्नल सैंडर को किसी भी बैनर और जगह से ब्लर कर दिया गया है। लिस्ट में पहले नंबर पर आता है रशिया के हाईएस्ट पेड CEO का घर। रशिया के सबसे बड़े CEO का घर उन जगहों में शामिल है जिसे गूगल अर्थ ने ब्लर कर रखा है, यानी कि आप उसे नहीं देख सकते। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण तो यह है कि उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक एनर्जी सप्लायर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह कोई छोटा मोटा घर नहीं, यह पूरा 250 से भी अधिक कमरों का महल है। CEO की रिक्वेस्ट पर गूगल अर्थ ने इसे ब्लर किया है, मतलब साफ है पैसा हो तो प्राइवेसी भी खरीदनी पड़ती है। तो दोस्तों यह थी टॉप 10 ऐसी जगहें जिन्हें गूगल अर्थ द्वारा हमारे से हाइड किया गया है। आपका इन सब के बारे में क्या सोचना है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।